प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और सरकार के नई पंचायतों के गठन का राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने विरोध जताया है। हमीरपुर में संगठन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक राठौर ने आरोप लगाया है कि सरकार चुनावों से भागने के लिए डिलिमिटेशन का बहाना बनाकर चुनाव नहीं करवाना चाहती है। वहीं राठौर ने केंद्र सरकार के आत्मनिर्भरता अभियान पर भी सवालिया निशान लगाए। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर तभी बनाया जा सकता है जब पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा भी मौजूद रहे। प्रदेश के दौर पर निकले राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक राठौर ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हल्ला बोला। राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल और कोविड के दौरान कुछ भी करने में कामयाब नहीं हो सकी, जिसके डर से सरकार चुनावों से दूर भागना चाहती है। उन्होंने कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को लागू कर पंचायतों का आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर तभी बनाया जा सकता है जब पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी। जैसा कि आप सबको मालूम है, आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव होने तय हैं। लेकिन ऐसे समय में जब बिल्कुल हम तैयारी में हैं, चुनाव के लिए 3 या 4 महीने का समय शेष रह गया है, तो अब एक नया नुक्ता जो है प्रदेश सरकार ने निकाल दिया है कि भाई डिलिमिटेशन को हमें करना है। और नेचुरली जब डिलिमिटेशन की बात आती है, वोट लिस्ट भी दोबारा से बनेगी, तो इस इट विल टेक बहुत सारा समय ये लेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये चुनावों से भागने की तैयारी हो रही है। उनका डिलिमिटेशन उनका मुद्दा नहीं है, उनका जो मुद्दा है वो है चुनावों से भागना। और उनको ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि कोविड-19 के चलते और पिछले 2.5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की सरकार कुछ भी काम नहीं कर पाई है। और उनको पता ये जवाब सरकार को ये जवाब हमारी पंचायत के लोगों ने देना है, हमारे वोटर ने देना है, इसलिए चुनाव से भागने की तैयारी में है। लेकिन जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जो मेन मुद्दा है वो है संविधान के 73वें 74वें संशोधन को जमीन पर लागू करना, जिस तरह से केरल में किया है। हमारा ये मानना है जब तक हमारी पंचायतें आत्मनिर्भर नहीं होगी, आप लाल किले की प्राचीर से जितनी देर तक जोर जोर से बोलते रहेंगे देश को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन हमारा ये मानना है राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का कि जब तक हमारी पंचायतें आत्मनिर्भर नहीं होगी, तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं होगा, प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं होगा। और जब तक आप संविधान के 73वें 74वें संशोधन को जमीन पर लागू नहीं करते हैं, तब तक पंचायतें भी मजबूत नहीं होंगी। जब हमारे संविधान में प्रोविजन है, तो सरकार से हमारा ये निवेदन है कि आप पंचायतों को आत्मनिर्भर करें, प्रदेश खुद ब खुद आत्मनिर्भर हो जाएगा। राठौर ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों की बेइज्जती की है और खुद के फैसले, जिसमें प्रत्येक पंचायत को सैनिटाइजर व मास्क वितरित करने थे, उनको ही 3 दिन में वापस लिया। उन्होंने सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने की बात कही। एक, हमारे पंचायत के जब कोविड-19 शुरू हुआ, पंचायतों को ताकत दी गई 3 दिन के लिए कि भैया हम आपको बजट देंगे, आपने उसका सैनिटाइजर लेना है और आपने मास्क लेके बांटने हैं। 3 दिन के बाद वो विड्रॉ कर दिया सरकार ने। सबसे जो बड़ी बेइज्जती अगर आज तक मैं कभी मानता हूँ कि जो पंचायतों की हुई, पंचायतों के प्रतिनिधियों की हुई है, वो इस कोविड-19 के चलते हुई है। लोगों की जान पर पड़ी है और आपको ये लगता है कि भाई क्या नाम ये हमारे जो पंचायती राज में चुने हुए लोग ये घोटाला करेंगे, और आपने निर्णय वापस ले लिया। 10,000 के मास्क और वो देने थे आपने, सैनिटाइजर देने थे। मैं कहता हूं जब आपके पास हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश और राजस्थान के MLA खरीदने के लिए आपके पास तो बजट है और आप खुले हैं उस बजट को यूज करने के लिए कि आप चुनी हुई सरकारों के MLA खरीदें, और हमारी पंचायत का प्रधान जो है वो मात्र एक शीशी सैनिटाइजर और एक मास्क लेने के लिए भी अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इतना बड़ा जो आपका दोहरा मापदंड है राजनीति को लेकर, हम इसका विरोध करते हैं। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए राठौर ने कहा कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल आत्मनिर्भर होने की बात कह रही है, लेकिन उसकी मंशा आत्मनिर्भर बनाने की नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार से सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं करती है, तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकेगा। आपकी संवैधानिक संस्थाओं को जब आप कमजोर करोगे, आपका कोर्ट, आपकी पत्रकारिता कमजोर हो रही है, आपकी CBI वो आपके शिकंजे में है, और इसी तरह से आपके जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो दो दो गवर्नरों ने इस्तीफे दिए वो क्यों दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप जो है आत्मनिर्भर होने नहीं दे रहे हैं। आप बात तो आत्मनिर्भर की करते हैं, लेकिन आप होने नहीं देना चाहते, आपके पास मंशा नहीं है आत्मनिर्भर होने की। तो संगठन की तो मैं अपनी बात कह दी, मैंने संगठन का तो मैंने एक लाइन में आपको मुद्दा दे दिया कि जब तक आप सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे, लोगों अपनी पंचायतों के ऊपर आप विश्वास नहीं करेंगे, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर आप विश्वास नहीं करेंगे, आत्मनिर्भर भारत हो ही नहीं सकता है।
कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुनील कुमार शर्मा ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन कांग्रेस पार्टी की देन है, इसमें लोग जुड़ते गए और समाज विकसित होता गया। उन्होंने कहा कि अगर पंचायती राज संगठन में कोई कमी रहती है तो उसका पूरा करना किसका कर्तव्य बनता है। उन्होंने मोदी सरकार और जयराम सरकार पर सवाल करते हुए कहा कि इस कोरोना महामारी के संकट के समय में पंचायतों को कितनी मदद की है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की भूमिका के बारे में बात की। मैं इसमें सिर्फ कुछ बातें स्पष्ट तौर से आप लोगों से बताते होना चाहता हूँ। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। राजीव गांधी पंचायती राज ये किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी की देन है, राजीव गांधी जी की देन है। उसके बाद इसमें मुद्दे जुड़ते गए, लोगों का भला होता गया, समाज विकसित होता गया, लेकिन आज हम किससे सवाल करें? निरंतर विकास की जिम्मेवारी किसकी है? हमें पूछना है मोदी की सरकार से और हमें पूछना है जयराम जी की सरकार से कि पंचायती राज का गठन जो श्री राजीव गांधी ने किया था उसमें अगर कोई कमी रह गई है तो किसकी दायित्व है? ये एक मोदी सरकार का एक जुमला बन गया है। अगर हम उनसे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, गैस की बात करें, हमें वो समय याद है जब भाजपा के लीडर पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, गैस के लिए आंदोलन करते थे। आज वो भाजपा के नेताओं के मुंह क्यों बंद हैं? इसलिए मैं दीपक राठौर जी ने जो बात कही, हम पंचायतों को मजबूत देखना चाहते हैं। हम उनके बहाने नहीं चलेंगे क्योंकि विपक्ष में हम हैं, प्रश्न हमने उनसे पूछना है। ये हमारा नियम है, ये संविधान में पास हुआ है, तो इसलिए हमारी कमियां रही ना रही वो छोड़िए। जनता ने आपको चुना है, जनता ने विकास के लिए चुना है, लेकिन मोदी जी और जयराम जी आप कितने सालों से, और कोरोना की जहां तक बात हुई है उसमें आप बताइए कि पंचायतों को आपने कितनी मदद करी, पंचायतों को आपने कितनी सहायता करी। तो मेरा प्रश्न विपक्ष से है, और जिस तरीके से राठौर जी ने पंचायती राज को मजबूत करने की बात की, हमें गौरव है इस बात का कि कांग्रेस की देन है, और हम तब तक चैन की नींद नहीं बैठेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज नेता हमारी पंचायतों को मजबूत नहीं करेंगे और इस नियम के अनुसार पंचायतों में सुविधा उपलब्ध नहीं करेंगे। हम उनसे प्रश्न पूछते रहेंगे, हमें पूछने का अधिकार है। तो मैंने इसीलिए जो हमारे आदरणीय पत्रकार बंधु यहाँ पर पहुंचे हैं,